चलिए इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा प्रश्न नंबर 16 की प्रश्न नंबर 16 कैसे हल किया जाएगा यदि आप वीडियो को समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा ताकि तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए जिस तरह से शेष प्रश्नों को किया गया है उसी तरह से इसको भी हम लोग हल करेंगे प्रथम और द्वितीय पे और अभी तक शेष प्रश्नों को आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले में जाइए वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रत्येक प्रश्नवली के इसी तरह से मिलते रहेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सोलह है कि ई का पावर एक्स क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स ठीक है इसको सबसे पहले हम तो मानेंगे कि आई के पहले तो इसके साथ समाकलन भी लगाना है तो मानते हैं क्या कि माना प्रत्येक प्रश्न ऐसे ही किया गया है आई बराबर ई का पावर एक्स कोष्ट में साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स इसके साथ क्या लगेगा समाकलन और क्या लगेगा डी एक्स ठीक है अब हम लोग इसमें मानेंगे पुनः मानेंगे कि पुनः माना E का पावर एक्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या टी समीकरण नंबर क्या ले लेंगे एक अब इसमें यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो x के साथ पेक्ष अवकलन होगा क्या देखिए ये प्रथम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा द्वितीय फलन हो जाएगा तो फार्मूला आपका क्या होता है सबसे पहले होता है प्रथम फलन तो e का पावर क्या एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलन तो साइन का अवकलन तो तो क्या हो जाएगा कॉस x प्लस द्वितीय फलन साइन x और प्रथम फलन का अवकलन तो e का पावर x का क्या अवकलन e का पावर x का e का पावर x होगा और ये हो जाएगा डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स इन दोनों में से कामन देखिए ई का एक तो एक पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स ले लीजिए अब पहले साइन है तो पहले साइन रख दीजिए साइन क्या कॉस एक्स इजिकल टू क्या यहाँ से आपको क्या हो जाएगा डी टी अपन क्या dx ठीक है dx का वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो dx बराबर हो जाएगा आपका यह एक dx बराबर हो जाएगा एक बटा में ई e का पावर एक्स कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है इनटू क्या डी टी समीकरण नंबर कितना दो और dx का वैल्यू इतना फाइंड हुआ है ना देखिए e का पावर x इंटू साइन एक्स टी है तो e का पावर x इंटू साइन एक्स इसमें है नहीं है e का पावर x इंटू साइन एक्स जो है e एक्स इंटू साइन एक्स नहीं देखिए e का तो इसमें है नहीं तो इसका मान रखेंगे नहीं वो वैसे ही रह जाएगा लेकिन इसमें dx है dx तो dx का वैल्यू तो फाइंड हुआ है ना इतना तो dx को हटाएंगे और इतना हम लोग क्या करेंगे रखेंगे लिखेंगे समीकरण दो से मान रखने पर ठीक है नहीं तो इसको समीकरण भी मान सकते हैं चलिए तो यह है आई बराबर आपका है समाकलन e का पावर x कोष्टक में साइन x प्लस क्या कॉस x इंटू डी एक्स देखिएगा इसका तो वैल्यू फाइन नहीं हुआ था तो इसका उसको उतना ही रख दिया लेकिन dx का वैल्यू कितना फाइन हुआ है dx बराबर हुआ है एक बटा में ई एक का पावर एक्स साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स इंटू कि इंटू कितना डी टी अब इससे जो टोटल राशि है क्या होगा कट जाएगा ठीक है तो आपका हो जाएगा क्या समाकलन हो जाएगा वन बच जाएगा इंटू कितना टी बराबर आपका हो जाएगा क्या एक एक का समाकलन आपका यक्स होता है ये एक्स में रहता है तो यक्स होता है लेकिन ये डी टी में है तो आपका क्या हो जाएगा टी अब प्लस क्या सी और यहाँ से टी का मान कितना होता है टी टी का मान कितना माना गया है किसको टी माना गया है ई का पावर एक्स इंटू क्या साइन एक्स प्लस कितना सी ये रहा आपका आंसर तो दोस्तों हमें उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो है कि वीडियो कैसा आपको लगा है यदि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि मैं ऐसा ही हमेशा लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो ये रहा आपका प्रोसेस रहा दोस्तों इस तरह से हम लोग हल कर दिए इसी तरह से हम लोग हल करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्रह को कि क्वेश्चन नंबर सत्रह कैसे हल किया जाएगा शेष वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर सभी वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे चलिए दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर सत्रह में